हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का कार्यालय तोड़ने का मामला गूंजा। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से मामला उठाया और इसकी निंदा की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की निंदा की और कंगना के कार्यालय को तोड़ने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महाराष्ट्र में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का कार्यालय तोड़ने के मामले में बुधवार को विधानसभा में दोपहर बाद देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया। उन्होंने कंगना के आवास को गिराने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस से कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में उनकी सरकार चल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस से उनकी सुरक्षा की बात करे। उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा कंगना को दी गई वाई प्लस सिक्योरिटी का भी आभार जताया। इस दौरान कर्नल इंद्र सिंह और गोविंद सिंह ठाकुर ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है, उसने हिमाचल का नाम देश विदेश में ऊंचा किया है, कंगना की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी ने कंगना का कार्यालय तोड़ने का जो काम किया है उसकी वे निंदा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सदन में इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना की सुरक्षा के लिए वे प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिवसेना का गठबंधन जिस चीज के लिए हुआ वे मूल ही खत्म कर दिया गया है। जब से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है शिवसेना का वजूद खत्म हो गया है, शिवसेना की हालत भी कांग्रेस जैसी होने वाली है। ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आवाज़ में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उनने ये कार्यवाही की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सामना का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ। कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।